dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture, we will be discussing about the chapter number 16, that is water, a precious resource of class 7. Last time we have studied about the water, forms of water, or that is water cycle ke baare mein humne padha tha, hydrological cycle ke baare mein padha tha. Now we will be studying about the main resources of the water, that is sources of water. Water ka source hume kahan se milta? So there are mainly two sources from where we are getting the natural water, that is surface water and underground water. सबसे पहला है दैट इज सरफेस वाटर. दैट इज हमें जो वाटर का सोर्स है मेनली कहाँ से मिल सकता है, तो दैट इज सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर में हमारे एग्जांपल्स आएंगे जैसे कि रेन, रिवर, लेक एंड सी. दैट इज अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं सरफेस वाटर. एंड अंडरग्राउंड वाटर दैट इज अर्थ के नीचे, दैट इज जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस के जस्ट नीचे वाली लेयर पे अगर वो सीप हो जाए, दैट इज नीचे नीचे की तरफ जाए, डीपली जाए, देन दैट इज नोन एज टू बी एन अंडरग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर और एक्वीफायर. नाउ सरफेस वाटर इट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. नाउ जैसे कि मैंने बताया कि सरफेस वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज अर्थ के जस्ट सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं. कंसिस्ट ऑफ रेन, रिवर, लेक एंड सी वाटर्स. सो किसमें क्या मतलब, उसमें कौन से वाटर, दैट इज रेन वाटर हो गया, जैसे कि रिवर वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया एंड सी वाटर हो गया. ये सारे जो वाटर का जो सोर्सेस है वो हम क्या बोलते हैं, दैट इज सरफेस वाटर बोलते हैं. रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द सरफेस फॉर्म्स स्ट्रीम्स एंड रिवर. और जो रेन वाटर, जो बारिश का जो पानी होता है वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाता है और रिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस स्ट्रीम्स एंड रिवर सप्लाई वाटर टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और यही वाटर जो है हमारे अलग अलग कंट्रीज के पार्ट तक ये वाटर को पहुंचाया जाता है, बिकॉज इट इज अ प्योर वाटर, दैट इज नेचुरल वाटर है. सो इसमें बहुत ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट होगा. सो दिस काइंड ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. नाउ हियर आई हैव रिटन अ नोट. नोट आपको याद रखना है, दैट इज 22nd मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. दैट इज ऑन 22nd मार्च, दैट इज वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ वर्ल्ड वाटर डे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज ग्राउंड वाटर, जिसे हम एक्वीफर भी बोल सकते हैं. एंड इसमें क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो सॉइल से नीचे की तरफ जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पोरस रॉक होते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, वो सेटल हो जाता है. तो दैट वाटर इज नोन एज टू बी एन ग्राउंड वाटर. इट इज अ रेन वाटर, दैट इज ग्राउंड वाटर इज अ रेन वाटर दैट सिप्स थ्रू द सॉइल, वो सॉइल के थ्रू नीचे की तरफ, और नॉन पोरस, दैट इज बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं जिनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होते हैं, एक दूसरे से अच्छे से जो रॉक्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं या तो फिर जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जाकर वाटर कलेक्ट हो जाता है. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ सीपेज एंड परकोलेट ऑफ सरफेस वाटर, दैट इज धीरे धीरे सरफेस वाटर को क्या करना, परकोलेट करना, मतलब जो होल्स होंगे उसको पास आउट कर आगे की तरफ जाना इनटू द ग्राउंड. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. देन इट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. दैट इज ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सोर्स ऑफ वाटर. इट कैन बी टेकन ऑन बाय द डिगिंग वेल, और हम उसको क्या कर सकते हैं, खोद कर, दैट इज खुदाई कर उसमें वेल अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो वेल में क्या हो सकता है, हम वाटर को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं. एंड बोर वेल्स, बोरिंग्स लगा कर हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं. देन पम्प्ड आउट फॉर सप्लाई इन टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर डोमेस्टिक यूजेस. और इसको पम्प भी, दैट इज़ पम्प्ड आउट किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, वेरियस पार्ट तक इसको टाउन्स या फिर सिटीज़ में हम इसको ट्रांसमिट कर सकें फॉर डोमेस्टिक यूजेस. Now industries also pump water, ground water to meet their water requirement. Industries जो रहती हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज जो रहती हैं, वो भी क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को सीप करते हैं, दैट इज़ ग्राउंड वाटर को पम्प आउट करते हैं ताकि वो अपनी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके.
नाउ फार्मर्स ऑल्सो यूज दिस फॉर इरीगेशन. फार्मर भी क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर इरीगेशन, दैट इज खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन द रेन वाटर. और इस तरीके से ही वो क्या करते हैं, जो एक डिपेंडेंट रहते हैं ना, फार्मर्स कैसे डिपेंड रहते हैं रेन वाटर, अगर जब रेन होगा तो उस वाटर को हम कलेक्ट करेंगे और वही वाटर को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर अवर फार्मिंग, फॉर इरीगेशन. अब क्या कर सकते हैं वो लोग, ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जैसे कि इससे क्या हो रहा है कि वो रेन वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, वो ग्राउंड वाटर को इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एंड वाटर टेबल. थैंक यू.